ऑल जोन के आरईटी एम्पैनल्ड एसोसिएशन की तरफ से आज हम यहां पर पुरमन एहतजाज कर रहे हैं। दरअसल हमारा मसला ये है कि 2010 से लेकर 2015 तक महकमा तालीम ने एक कैबिनेट डिसीजन के तहत जो महकमा सरकारी स्कूलों में खाली पड़ी जो असामियां थी उनको पुर करने के लिए आरईटी पैटर्न के तहत एडवर्टाइज निकाली गई, जिसके तहत मुख्तलिफ हलकजात में मुख्तलिफ स्कूलों के जुमरे में आने वाले क्वालिफाइड यूथ ने अप्लाई किया। उन्होंने अप्लाई किया, पैनल्स भी तरतीब दी गई। कुछ पैनल्स इस वक्त भी ZDO's ऑफिस में बने हुए हैं, कुछ पैनल्स CO's ऑफिस में है, कुछ पैनल्स डायरेक्टरेट में फाइनल अप्रूवल के इंतजार में बैठे हैं। इस दौरान कुछ लोगों के टेंटेटिव ऑर्डर्स भी इशू हुए हैं, लेकिन ताहाल फाइनल ऑर्डर किसी का इशू नहीं हुआ। जब विथहेल्ड कर दिया गया 2010 के बेबी सिस्टम, हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2012 में हाई कोर्ट के डबल बेंच ने कहा कि अगर आपने एडवर्टाइज किया इनका हक बनता है, मेरिटोरियस कैंडिडेट्स है, इनको फाइनल ऑर्डर दे दीजिए। फिर भी महकमा तालीम ने कोर्ट ऑर्डर्स का एहतराम नहीं किया। फिर बात पहुंची 2018 तक। 2018 में उस वक्त LG साहब सत्यपाल मलिक साहब ने 919 ऑर्डर निकाला, जिसमें कहा गया है कि आज के बाद हम ये आरईटी सिस्टम बंद करते हैं। तो वेलकम फैसला था, लेकिन महकमा तालीम ने खुद ही हम लोगों को इसमें खामखा फंसाया। उन्होंने कहा आरईटी स्कीम बंद हो गई, आपका भी मामला बंद हो गया, लेकिन हमारा मामला अक्ल भी कहती है, शोर कहता है। जब हमने 2010 में महकमा तालीम के एडवर्टाइज को फॉलो करके अप्लाई किया, 2018 में ये कैसे कैंसिल हो सकता है? हमने उस ऑर्डर का भी इस दौरान हाईकोर्ट में चैलेंज किया। कल 4 तारीख को हमारे ऑनरेबल हाईकोर्ट के डबल बेंच ने 27 पेजेस पर एक तवारीखी फैसला सुनाया। उन्होंने सरकार से कहा आप अपना 919 वाला ऑर्डर 2018 में इजरा होने वाला ऑर्डर स्टैंड रखिए, लेकिन इन लोगों के साथ ना इंसाफी नहीं होने देंगे। ये लोग इस जुमरे में नहीं आते हैं, इनको ऑर्डर दे दीजिए, इनके एडवर्टाइज का ख्याल रखें, इनके मेरिट की आप कदर करें और इनको फाइनल ऑर्डर दे दीजिए। इससे पहले एक बार फिर महकमा तालीम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामला क्या कितना बड़ा था कि मीर मुश्ताक को MA BEd होके MPhil होके 3000 की रकम लेनी है। महकमा तालीम कहता है कि हमारे पास उतनी ताकत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही किस्त में वो खारिज कर दिया केस। हाई कोर्ट का फैसला बहाल रखा। कल 4 तारीख को ये तवारीखी फैसला आया। अब हम मौजूदा कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन मोहतरम आलोक कुमार साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, आपके महकमे के पास जितने भी कन्फ्यूजन थे कि हम 2018 वाला ऑर्डर स्टैंड रखें या गोरीपोरा बीरवा या बारामूला की 2010 वाली एडवर्टाइज स्टैंड रखें। उन्होंने कहा दोनों ऑर्डर स्टैंड है, जो 919 वाला ऑर्डर भी बाल है, 2018 के बाद कोई एडवर्टाइज नहीं निकलेगी, लेकिन ये जो निकाले गए बहोश हवास महकमे ने जो एडवर्टाइज निकाले हैं, हम चाहते हैं पूरा करें इसको पहले। हम चाहते हैं कि कोर्ट के साथ ये जो बार बार अत्याचार होता है कि कोर्ट ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, हमारी सिर्फ यही मांग है कि कोर्ट ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करे। हमारी जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंची, हम बच्चे वाले हैं, मैरिड पीपल हैं, हमारी बहनें कुछ उनके एंगेजमेंट हुए, शादी हुई है, लेकिन इसी आस में बैठे हैं कब हमें अपना हक मिलेगा। हम तो ये बैक डोर एंट्रीज नहीं है, हम तो रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके आए हैं। अब हम उम्मीद रखते हैं कि इस वक्त जो कन्फ्यूजन था महकमा तालीम को वो दूर कर दिया हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। हम चाहते हैं अब इस ऑर्डर को मिन अन इम्प्लीमेंट करके हम आरईटी एम्पैनल्ड कैंडिडेट जो 12 साल से इंतजार में बैठे, हमने कौन सा जुर्म किया है? क्या हमने पढ़ा है? क्या हम जमहूरी तरीके से अपना हक मांगते हैं? क्या यही हमारी खता है कि 2010 में एडवर्टाइज निकाल कर भी आज हम चाहते हैं कि वी वांट जस्टिस। हमें इतनी उम्मीद है सरकार से कि 12 साल के बाद भी अगर हमें आप इंसाफ दोगे हमारे सर तस्लीम होगा, लेकिन अगर आज के बाद आपने कोर्ट ऑर्डर्स की वायलेशन की, हम
कफ हम पहन कर जाएंगे, हाई कोर्ट के सैन में बैठेंगे, जमहूरी अंदाज में अपने हाई कोर्ट से पूछेंगे कि यही लोग आपके ऑर्डर्स को नहीं मानते हैं, कंटेप्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत के साथ उनके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उम्मीद करिए हमें पैदा हुई है इस आर्डर से, हमारे मुर्दे दिलों में जान सी पैदा हो गई है कि आलोक वर्मा साहब जो एक अच्छे ईमानदार अफसर हैं, संजीदा अफसर हैं, वो जरूर हमको ये एंगेजमेंट आर्डर प्रोवाइड करेंगे।